राधिका के आज है छुट्टी एग्जाम्स के बीच में, आज मिला है ब्रेक और बहुत तेज हवा चल रही है आज, है ना राधिका? अच्छा लग रहा है ना, एकदम गर्मी हो रखी थी मॉर्निंग में और एकदम मौसम चेंज हो गया है। और यहाँ पे आसपास में सभी जो लोग हैं वो वॉक कर रहे हैं, एक अंकल जी जो हैं वो यहाँ पे रोज़ बैठे होते हैं इस तरह से। और राधिका यहाँ पर हवा का आनंद लेती हुई और राधिका बोल दो सभी को हरे कृष्णा। मैं इसे बैठ भी सकती हूँ पर मना करती हूँ तो मैं गिर सकती हूँ। हवा तेज चल रही है, बैलेंस खराब हो सकता है। फिर जो है ठाकुर जी की किचन में अभी दूध बॉईल हो रहा है, इसमें मैंने चढ़ा दिया है बिल्कुल सिंपल सा दलिया। और यहाँ पर स्वीट कॉर्न मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ और इसको जब अच्छी तरह से उबाला आ जाएगा तो साथ ही के साथ अभी हम दलिये के साथ बना लेंगे सिंपल सी टमाटर की चटनी। और अभी थोड़ी देर पहले इसमें मैंने कुछ भूना था तो सोचा कि इसी कढ़ाई में ही बना लेती हूँ। हींग जीरा डाला है और इसके अंदर अभी हम ऐड कर रहे हैं टमाटो प्यूरी और आधी हरी मिर्च ऐड करी, क्योंकि आजकल जो हरी मिर्च आई वो बहुत ज़्यादा तीखी है। और बस इसमें अभी जो है हल्दी डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें भगवान के स्वाद अनुसार सेंधा नमक। और यहाँ पर जो है ये कुकर में मैं रेसिपी बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि समय कम है और बनानी है सब्ज़ी भी। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि हींग जीरा और मैंने इसमें जो है ये तेज पत्ता भी ऐड कर दिया है, इसमें टमाटो ऐड कर दिए हैं। और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, भगवान के स्वाद अनुसार नमक हल्दी और हींग भी ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पर स्वीट कॉर्न जो है वो भी बॉईल हो चुके हैं, इसका भी हम बनाएंगे एक बड़ा ही सिंपल सा सैलेड जो कि आप ठाकुर जी को किसी भी समय जो है भोग लगा सकते हो। और ये जो है बीन्स हैं इनको मैंने वॉश करके रखा हुआ है, तो बस इस तरह से जो अभी मैं फटाफट से ये बीन्स को जो है ना कट कर लूँगी, इसके जो एंड्स हैं वो मैं अभी कट कर रही हूँ। कटे हैं तो उसका जो फ्रेंड है वो है आलू, और आलू भी अभी कट करेंगे और सब्जी अच्छे से बना के रखेंगे ठाकुर जी के लिए। और यहाँ पर ये सैलेड का सामान मैंने निकाल दिया, एक खीरा, एक टमाटर, और ये आपके सामने जो है देख सकते हैं कि एक तरफ चटनी बन रही है, एक तरफ जो है वो टमाटोज जो मैंने फ्राई करने के रखे हैं ताकि मैं सब्जी बना सकूँ आलू बीन्स की। और कुकर मैं रेडी कर रही हूँ तो बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है। और यहाँ पर जो है मैं आलूओं को इस तरह से मीडियम कट कर रही हूँ, मीन्स मीडियम से थोड़ा सा छोटा इतना, और आप चाहें तो किसी भी शेप में कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ठाकुर जी को आप प्रेम पूर्वक जो है भोग लगाइए। और यहाँ पर जो है पीछे आप देख सकते हैं फटाफट से जो है चटनी वो तैयार होने वाली है, और लगभग जो दलिया है उसको भी एक सीटी आ चुकी है और मैंने उसे मीडियम करके रखा ताकि अच्छी तरह से वो गल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैंने प्यूरी रखी थी ना टमाटो की, वो अच्छी तरह से पक चुकी है, तो मैंने इसमें बीन्स ऐड करी हैं, उसके बाद मैंने जो है आलू ऐड करा है और एक आलू जो वो रह गया है। तो इस तरह से जो है अभी मैं इसको ऐसे मिक्स कर दूंगी, और वैसे भी क्योंकि गल जाने वाला अच्छी तरह से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो आलू को हल्का सा हम बाद में प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से जो है हल्का सा पानी ऐड करा मैंने आपको दिखा दिया है, और इसको एक सीटी जब आएगी ना, बस एक सीटी के बाद ही हमें बंद कर देना है और अच्छी तरह से ये हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलेड की तैयारी हो चुकी है, मैंने खीरा टमाटर डाला है, आप चाहें तो इसमें हल्की सी ककड़ी ये सब भी डाल सकते हैं भगवान के लिए। और ये सारे का सारा इकट्ठा हो गया है जो छिलके एंड ऑल। और यहाँ पर मैंने खीरा टमाटर के अंदर जो है ये स्वीट कॉर्न डाला, मैं दिखा रही हूँ कि कितना अच्छी तरह से गल चुका है। और ये फ्रोज़न वाले मैंने लिए थे, अभी सर्दियों में तो बहुत ही फ्रेश आ जाएंगे तो वो इससे भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो कटोरा है ये मुझे थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो अभी मैं इसको बड़े में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि मैं इसमें जब नमक वगैरह डालूँ तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मैंने डाला है इसमें काला नमक,
आप चाहें तो सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, और आप डाल सकते हैं इसके अंदर नींबू का जूस, मैंने नहीं डाला है तो आप लेकिन ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप अगर धनिया की कुछ पत्तियाँ भी ऐड कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है ठाकुर जी के लिए। तो बस ये कलरफुल सा जो एक सैलड है वो एकदम तैयार है। इसमें कैप्सिकम भी डलती है, लेकिन मैंने बताया कि अभी सब्जियाँ मैं लेके नहीं आई हूँ तो इसलिए नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए टमाटर की जो चटनी है, मैंने आपको दिखाया था 3-4 टमाटर की ही बनाई है, वो तैयार है। और यहाँ पर मैं अभी दलिया जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बाउल में। तो बस अभी हम जो है भगवान की थाली लगाना जो है स्टार्ट कर देंगे। और ये रही बहुत ही सिंपल सी थाली, और सब्जी के साथ मैं लगाऊंगी चपाती। बाद में बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, तो बस पीछे से जो है तुलसी पत्र लेने जा रही हूँ। इतनी भी नहीं हो रही कि भीग जाए, हल्की हल्की सी हो रही है। तो चलिए ले लेते हैं। तुलसी महारानी के बिना जो है भगवान को भोग अर्पित नहीं होता है। जो भी आप ऑफर करें उसमें तुलसी पत्र जो है वो अवश्य लगाएं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि बारिश हो रही है, तो जो गमले हैं तुलसी महारानी वाले कितने खिले खिले लग रहे हैं। और ये जो पानी होता है ये बहुत ही ज़्यादा जो है प्लांट्स को सूट करता है। तुलसी महारानी एकदम खुश खुश लग रही हैं। और तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं, और हल्का ठंडा मौसम है तो बाहर आकर के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बस शुरू शुरू में तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी बताया था हृदय ही नहीं लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा पहले से जो है ठीक ही लग रहा है। और बस अभी ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और बस तुलसी पत्र रखेंगे, और बाकी के जो तुलसी पत्र बच जाएंगे मैंने वॉश कर दिए, साइड में मैंने अभी रख दिए, लेकिन अभी बाकी के जो है एक डिब्बी में डाल के मैं स्टोर कर दूँगी। तो यहाँ पर बस इस तरह से हम तुलसी पत्र लगा लेंगे और ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। और बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि मंदिर कहाँ चला गया, तो जब तक मुझे लगता है मंदिर नहीं आएगा तब तक बताना पड़ेगा कि ऑल्टर जो है अभी वृंदावन गया है ठीक होने के लिए। आप सब प्रार्थना कीजिएगा तो वो टाइम से आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आलू बीन्स की सब्जी एकदम बढ़िया से तैयार है। वैसे तो कढ़ाई वाली सबसे बेस्ट होती है, लेकिन फिर भी अगर जल्दी बनानी है तो ये बहुत अच्छे से बन जाती है। तो बस इसके साथ हमने चपाती बना दी है और ठाकुर जी को भोग लगा दिए, और आप भी कर लीजिए ठाकुर जी के दर्शन। और इस तरह से जो है आज का जो ठाकुर जी का जो कुकिंग वो हमारा संपन्न हो चुका है। और आलू बीन्स की जो सब्जी थी, अब क्योंकि वो तो मैं तो पाई चुकी हूँ तो ये बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही डिलीशियस बनी थी। और यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रही हूँ उससे नेक्स्ट डे का क्लिप, तो बहुत ही सुबह तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 5 बजे के आसपास का समय है। और यहाँ पर जो है उससे नेक्स्ट डे का ये क्लिप है, और ये डे वो डे है जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था। तो आज का शेड्यूल बिल्कुल ही डिफरेंट है, कोई ऑनलाइन क्लास मैंने नहीं ली थी बिकॉज आई नीड सम टाइम फॉर माय रिवीजन आल्सो, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा है और रिवीजन समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, तो सब कुछ ही पढ़ना था। तो सोचा कि एक दिन और है तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। और बस सुबह सुबह का दिन है तो राधिका भी सो ही रही है, और उसको मैं आराम से उठाऊंगी क्योंकि वो रात को भी काफ़ी लेट सोई थी, और मैं उठ गई हूँ काफ़ी अर्ली उठ गई थी, और मैंने चैंटिंग वगैरह अपनी कर ली है। और हरे कृष्णा, तो बस अभी मैं ठाकुर जी किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, और बिल्कुल सिंपल मैक्रोनी बनाऊँगी। सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि शिमला मिर्च है नहीं है और पनीर मैं डालना नहीं चाहती हूँ। और सिंपल सी एक ग्रेवी वाली मैं बनाऊंगी मैक्रोनी। इसमें मैंने अभी टमाटर जो है 5-6 प्यूरी करके डाले, क्योंकि आज मेरे पास डबल फ्राई करने का टाइम नहीं है, नहीं तो डबल फ्राई वाली जो है वो बहुत अच्छी रहती है। और आफ्टरनून के लिए अभी मैं ठाकुर जी के लिए शुरुआत कर रही हूँ, दाल चढ़ा रही हूँ। ये जो है ना उड़द की दाल होती है जो टूटी वाली है ना, और थोड़ी सी इसमें उड़द की दाल। अभी बस इसमें मसाले ऐड करूँगी भगवान के स्वाद अनुसार, नमक और हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लूँगी। और एक जो कुकर है दूसरा वाला, उसमें मैं राइस जो है अभी बस रख दूँगी, भिगोंगी नहीं, और 1-2 घंटे के बाद मैं फिर राइस भी चढ़ाऊँगी। तब तक ये दाल हो जाएगी, उसका तड़का लग जाएगा। फिर रख दी है अभी मैं वॉश करके, इसका तड़का भी तुरंत लगा दूँगी। तो आज मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे उसके हिसाब से जो है सेवाएँ करनी है। प्रभु जी टेम्पल चले गए हैं और राधिका जो है अपनी मस्ती में है उसका भी एग्ज़ाम है कल, और बस अभी वो रिवीजन करेगी क्योंकि कल मैंने उसका करवा दिया था, बाकी वही
बाकी जो बच्चे करते हैं वही करेंगे। और बस चढ़ा रही हूँ और फटाफट से जितनी देर भी हूँ, मतलब लगभग मैं 45 मिनट रहूँगी किचन में, तब तक मैं जो है आफ्टरनून तक की प्रिपरेशन कर लूँगी। और बस अभी सुबह से मैं बस स्टडी ही कर रही हूँ, और बीच में बस थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने गई थी गैलरी में, और बस अभी यहाँ पे हूँ। हरे कृष्णा। तो आज का दिन ऐसे जाएगा, स्टडी थोड़ा प्रशादम, स्टडी मैक्सिमम टाइम आज स्टडी है क्योंकि आज ही एग्ज़ाम है, तो रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट है। और भगवान जो है वो जो मैंने पढ़ाया उसमें से आ जाए और मुझे रिमेम्बर भी रहे, आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना। और लेकिन जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो मेरा जो है वो एग्ज़ाम हो चुका होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप मेरे लिए प्रार्थना कर लेना। मेरी आँखें जो है वो आज बहुत अजीब सी हो रही हैं क्योंकि मैं बहुत अर्ली उठ गई थी आज, चैंटिंग कर ली मैंने, उसके बाद से बस मैं पढ़ी रही। और मौसम जो है बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश वाला हो रखा है, और आज कपड़े भी वॉश नहीं करूँगी, जस्ट सिंपल सी क्लीनिंग करूँगी जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। और मैक्सिमम जो सेवा है ना मैंने कल कर ली थी क्योंकि मुझे पता था आज मैं नहीं कर पाऊँगी। तो किचन जो है ऑल क्लीन है, एकदम क्लीन है, सिंक में कोई बर्तन नहीं है, बस एक बॉटल ये वाली खाली है, बाकी बर्तन जो है बस मुझे वो अंदर लगाने हैं, और कुछ भी वो चिंता वाला बात है। और प्रभु जी भी नहीं है घर पे, तो इतना ज़्यादा कुकिंग वगैरह आज होगा नहीं, तो सिंपल यही कुकिंग जो है शाम तक हमारा चल जाएगा। तो मैक्रोनी बहुत ही जल्दी से तैयार हो गई थी, तो क्षमा चाहूँगी आप सभी के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि समय फिर और अधिक लग जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी थी ये मैक्रोनी। और आप कर लीजिए ठाकुर जी के दर्शन, और बस अभी मैं भी थोड़ा सा प्रसाद पा लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं अभी प्रसाद जो है पाने लगी हूँ, और आप पा लीजिए, आपको बहुत दिन से मैंने कुछ भी जो है प्रसाद हम खिलाया नहीं है अपने हाथ से, तो बस अब मैं आप सब की तरफ से मैंने भी खा लिया। और मैक्रोनी जो है सचमुच में बहुत डिलीशियस बनी है, और साइड में मेरे नोट्स रखे हैं तो मैं बस उसको साथ साथ में पढ़ रही हूँ, और मैक्रोनी भी पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी तेज़ गर्म है तो टाइम लगेगा मुझे इसे पाने में भी, कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, मैं आपको इशारे से बता रही हूँ। तो चलिए आप एक बार देख लीजिए, और एक नूडल का पैकेट था मैंने वो भी इसमें ऐड करा हुआ है, ध्यान से दिखेंगे तो। आज का व्लॉग जो है वो आपको मैं बहुत सारी चीज़ें तो इसमें नहीं दिखा पाई हूँ, इसलिए मैंने 2 डेज़ का एक साथ कर दिया है, क्योंकि अगर मैं एग्ज़ाम डे का आपको दिखाऊंगी तो उसमें तो मैं आपको क्या ही दिखा पाऊंगी, ना तो मैंने कोई रेसिपी शेयर करी, तो आप समझ सकते हैं कि इच्छा भी नहीं होती क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और लग रहा था लास्ट डे है तो थोड़ा रिवीजन अच्छे से कर लें। तो ये 1 घंटे पहले की क्लिप है जिसमें मैं रिवीजन कर रही हूँ। हरे कृष्णा। तो बस आज का दिन तो कुछ स्पेशल मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, और बस आज स्टडी अपना किया, राधिका ने अपना किया, है ना राधिका, प्रसाद बनाया बस वही पाया, और घर के कुछ खास सेवाएं अभी नहीं करी हैं। और 1 घंटा चलेगा एग्ज़ाम, बस अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, तो मैंने ये जो फ़ोन है उसको सेट करा है, अब बाकी देखेंगे जो हमारे टीचर्स बोलेंगे उस एंगल में मैं रखूँगी, ट्राइपॉड लगा दिया है पीछे में, और लैपटॉप रेडी है। अब सब प्रार्थना करना अच्छा एग्ज़ाम चले जाए, और ऐसा लग रहा है पढ़ तो सब कुछ लिया है लेकिन दिमाग में से मिक्स सा हो गया है क्योंकि जैसे लिंक्ड जैसा लग रहा है एकदम। तो बस भगवान जो है सही समय पे सही सब मेरे को सुझा दें, और काफ़ी सारे चैप्टर्स थे तो देखते हैं कैसे हो पाएगा क्या होगा। तो चलिए अभी मैं रिकॉर्डिंग को करती हूँ बंद, और एग्ज़ाम पे करती हूँ फोकस। हरे कृष्णा। जगद्गुरु शील प्रपाद की जय, और भक्ति वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो बस अभी मेरा एग्ज़ाम हुआ, और मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, और बाकी सब चीज़ें भी हो गई शाम की, आज कुछ ज़्यादा करने था, अभी बहुत तेज भूख लगी क्योंकि मैंने ना ब्रेकफास्ट प्रसाद लिया था आप सबके सामने, उसके बाद मैंने कुछ नहीं पाया, और बस अब मैं दाल और चावल बने हैं वही पा रही हूँ। तो बस अब एग्ज़ाम हो गया तो थोड़ी भूख भी लग गई है अच्छे से, अभी प्रसाद पा लूँगी, और फिर क्या करूँगी, हाँ फिर बस अभी आराम से बैठूँगी थोड़ी देर, राधिका का एग्ज़ाम है उसको थोड़े से रिवीजन करवा दूँगी। बस यही था आज का ब्लॉग, और आज का ब्लॉग तो बस ऐसे था पढ़ने वाला और छोटा सा ही था। तो चलिए बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, और आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए, और शिल प्रपा जी के मिशन में जुड़िए,
और उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरे कृष्णा, जगत गुरु शिल प्रपाद की जय।